नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट टास्क। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यापम की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन आ गया है, न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है। तो कौन सी वैकेंसी, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले व्यापम के ऑफिस साइट पर आना है, जो कि आप पीवी में कन्वर्ट हो चुकी है दोस्तों। तो आपको पीवी के ऑफिस साइट पर जाकर ये सबसे जो मेन पेज है उसका ओपन कर लेना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट में ऑनलाइन फॉर्म प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट 2018। तो दोस्तों, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये कौन लोग भर सकते हैं, क्या डिटेल्स है दोस्तों, इसकी सभी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, पीपीटी का एग्ज़ाम काफ़ी लेट होता है, लेकिन इस बार इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और क्या इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, कब से कब तक आप भर सकते हैं, वो चलिए मैं आपको रूल बुक पर ले चलता हूँ सीधे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 12 मार्च 2018 दोस्तों, यानी आज से लेकर आप अंतिम तिथि जो है 26 मार्च तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। यानी आज से लेकर 12 तारीख से 26 तारीख तक इसका फॉर्म भराएगा दोस्तों। और जो संशोधन की जो तारीख है दोस्तों, 12 यानी आज से लेकर 31 मार्च 2018 तक रहेगी। और जो दोस्तों परीक्षा की डेट है वो रहेगी 8 अप्रैल 2018। जी हाँ दोस्तों, इस बार एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी हो चुका होने जा रहा है दोस्तों, जो कि 10th का रिजल्ट नहीं आएगा, उससे पहले आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, 8 अप्रैल 2018 को एग्ज़ाम है, जो कि रविवार के दिन है। और जो परीक्षा शुल्क की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये रहेगी, और अनुसूचित जनजाति OBC ST कैटेगरीज के लिए दोस्तों 200 रुपये रहेगी। और दोस्तों, एक बात बता दूँ, ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 70 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपये दे होगा दोस्तों। ये दोनों है, उसके बाद बता दें, ये दो पाली में परीक्षा होना है आपकी, 8 मार्च को एक प्रथम पाली, द्वितीय पाली। तो जो परीक्षा की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी दोस्तों आपकी 9 से 11, 2 घंटे की, और 2 से 4 दूसरी पाली में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होना है, और इसके लिए आपको आधार पंजीयन अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज आपका मान आज से और 26 तारीख के बीच आपको आधार पंजीयन कराना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि आधार पंजीयन के बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और आपका अगर आधार कार्ड अभी तो मतलब मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, या जो भी है दोस्तों उसमें परेशानी, तो उसको वेरीफाइड जरूरी लेकर वाली इसको, अदरवाइज आप फॉर्म इसका नहीं भर पाएंगे। और दोस्तों, कौन लोग इसके लोग को इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है वो दोस्तों 10वीं पास बच्चे, जो 10th लेवल के जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए, इस वो लोग इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, एक बात और, इस बार जो 10th में अपीयर्ड हुए हैं बच्चे, उन लोग के लिए भी एग्ज़ाम है, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद होता था एग्ज़ाम, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम से पहले हो रहा है दोस्तों। तो ये जो इस बार 10th जिन लोग का भी है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और जो बाकी की दोस्तों डिटेल्स हैं, मैं आपको अगली वीडियो में दे दूँगा सभी, इसका क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका सभी जो स्टेप्स हैं दोस्तों, किस तरह से फॉर्म भरना है, आपको सभी डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए उसको दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की तो मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।